भाई जसप्रीत सिंह कोमल वीर जी वो हुण 8-10 मिनट की हाजरी समा ते अपनी स्पीड नाल चलिया जा रहा है। गुरु रामदास जी महाराज के दर तो भी हजूरी जत्था भाई भुपेंद्र सिंह जी गुरमुख प्यारे वो भी पहुँच चुके ने भलाई केंद्र, उन्होंने भी संतां दे दर्शन कीर्तन राही करने ने। महापुरश भी कुछ मिनटों च पहुँच रहे ने। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी उन्होंने भी संतां दे दर्शन कीर्तन कथा राही करने ने। सारा समागम 7:30-7:30 चलना है। जथियां नूं बेनती है भाई हाथ जोड़ के आप जी दे प्रेम नूं नमस्कार, हाजरियां नूं नमस्कार, जी आयां नूं समय दा ख्याल रखते हुए आप जी कृपा करनी। ते दरबार साहब तो जत्था पहुँच गया है, उन्होंने जसप्रीत वीर जी तो बाद हाजरियां भरनियां ने। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सारी संगत फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार विच आप जी सारे जुड़ के बैठे हो, बहुत बड़ा स्थान है, शहर भी बहुत बड़ा, गुरु रामदास जी का बसाया हुआ, बाबा दीप सिंह जी का महान स्थान, संगत की चरण धूड़ी गुरु साहब जी कृपा करन, सानू गरीबां नू बख्शन। ये महापुरशां दा बिरद है, महापुरशां दा सुभाव है, उन्हें माणे नू माण दिंदे ने, नहीं तो साडे वर्गे बहुत ने, ऐसे भी ने जो महापुरशां दे दर्शन लई महापुरशां नू फतेह बुलाण लई भी तरसते ने। उन्हां दा बिरद हैगा वे जो उन्होंने सानू माण बख्शिया होया वे। गुरु साहब जी कृपा करन, सारे जत्थे ने हाजरी भरी है, सारे की हाजरी गुरु साहब जी अपने चरणों में लगा लैन। इत्थे जो आप जिवें आप जी नूं भाई गुरदीप सिंह जी लाला वीर जी दस रहे सी, बीबी कौला जी भलाई केंद्र की अपनी यूनिट है, बीबी कौला जी गुरमत सेवक जत्था ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ यूपी विच, ते क्योंकि 1.5-2 साल तो भाई साहब जी बाहर नहीं जा रहे समागमां ते, ते साडा मन सी कि गुरु साहब जी कृपा करन, महापुरशां दे भी असीसां मिल जाण, प्यार मिल जाए, क्योंकि बैटरी चार्ज हो जाती साल च एक बार अगर समागम महापुरश आप आते ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ। पिछली साल भी लॉकडाउन करके महापुरशां ने इत्थे ही भलाई केंद्र जत्थे की हाजरी, ते हुण भी इत्थे ही हाजरी। अगला जो समागम हैगा एक होर वो महापुरश आप अनाउंस भी करन दे, दास भी गुरु साहब जी कृपा करन। इत्थे आपां अपने अवगुण बख्शान आए हैं, कुछ बन के नहीं और है भी नहीं आपा कुछ, अगर हाँ तो पापी हाँ। गुरु साहब जी कृपा करन, गुरु रामदास जी के चरणों में बेनती है, बाबा दीप सिंह जी के चरणों में बेनती है, माता कौला जी के चरणों में बेनती है। सत्कारयोग महापुरश भाई साहब जी भाई गुरु इकबाल सिंह जी जिन्होंने सानू इधर तोरिया, उन्हां दी अरदास सदका बाबा जी सानू तार देन, उन्हां दी असीसां सदका सानू बाबा जी अगाह दी अवस्था बख्श देन। ए अवगुणा दी बेनती, बाबा जी साडे अवगुण आप जी कृपा करो बख्श दो, सानू अगाह दी अवस्था बख्श दो। किरे आपां खिलौणियां नाल खेलदे ही ना रहिए, हंकार एक खिलौना वे, बच्चियां नू खिलौना मिल जाए ना फिर अपने मां नू भुल जांदे ने, अपने प्यो नू भुल जांदे ने। ईरखा एक इन खिलौनिया तो बाबा जी सानू उठा के असली चीज दे नाल तत् चीज दे नाल जुड़न, तत् वस्तु है महापुरशा दा प्यार, नंबर बनाना नहीं, तत् वस्तु है निम्रता निर्वैरता बंदगी, उही लैन आए हैं। साल च एक दो बारी बाबा जी लेके आंदे ने, ते पूरी बैटरी चार्ज करके आप जपो अवरा नाम जपाओ दी दात बाबा जी बख्श देन। अवगुणा दी बेनती है कि बाबा जी बख्श देना, कृपा करना जी। काम क्रोध लोभ झूठ निंद
इन ते आप छड़ावो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो ए भीतर ते इनको डारो ए भीतर ते आपन निकट बुलावो आपन निकट बुलावो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो काम क्रोध लोभ झूठ अपनी विद आप जनावो अपनी विद आप जनावो हर जन मंगल गावो हर जन मंगल गावो काम क्रोध लोभ झूठ बिसर नहीं कबू ही ये ते बिसर नहीं कबू ही ये ते ए बिद मन में पावो ए बिद मन में पावो गुरपुरा आप छड़ावो इनते आप।
आखो वाहिगुरू, फिर आखो वाहिगुरू, तीन चार मिनट दास दे बाकी ने, फिर समाप्ति। ये भाई वीर सिंह जी का बचन है। भाई वीर सिंह जी बचन करते सी कि कोई प्यार दे नाल सहज पाठ करे, कोई बाणी पढ़े, बाकी ग्रंथ रब की गल्लां करते हैं। वाहिद गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो रब की गल्लां नहीं करते, रब नाल गल्लां कराते हैं। सारे आखो वाहिगुरु, एक गल्लां ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में बेनती है, गुरु रामदास जी के नाल बाबा दीप सिंह जी के नाल गल्लां ने। बाबा जी असी निमाणे आप जी के चरणों में आए हैं, कृपा करो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो, यह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ। आप जी अपने निकट बुला लो, यह तुहाडे चरणों में बेनती। बाबा जी साड़ी कोई भी जप तप नहीं है, कोई बंदगी नहीं, कोई अमृत वेला नहीं, कोई सेवा नहीं है, किहदा वास्ता आप जी नूं पाई है। आप जी महापुरशां दे सदका, माता कौला जी दे सदका, बाबा दीप सिंह जी दे सदका, इन चीज़ां तों बचा के तत् वस्तु दे नाल जोड़ दो, बंदगी दे नाल, जप तप दे नाल, सेवा दे नाल, निम्रता दे नाल, निर्वैरता दे नाल। एक मैं छोटी सी गल बोल के समाप्ति कर रहा, एक भाई दयाल दास जी होए, बड़े ध्यान नाल सुनियो। आनंदपुर साहब बहुत सेवा की उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह जी मौजूद सन, बहुत सेवा करनी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी एक दिन लंघे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने देखिया, दृष्टि पाई, बोले कुछ नहीं, बाबा जी चले गए। दूसरे दिन फिर बाबा जी निकले, गुरु गोबिंद सिंह जी भाई दयाल लाल जी सेवा कर रहे हैं। इवें करते करते हफ्ता बीत गया, भाई दयाल दास जी बड़े प्यार दे नाल सेवा कर रहे हैं, नाल वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र का जाप या जो भी बाणी उपड़ रहे हैं। सतवें दिन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तरस आ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे बड़े प्यार दे नाल भाई दयाल दास जी सेवा करते हैं, इन्हां दे उपर होर कृपा कर दी। भाई दयाल दास जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी अपने नेड़े बुला के बेनती करते, हुक्म करते, कहिंदे तुसीं सेवा करदे हो, तुहाडी सेवा तों असीं प्रसन्न आ, लेकिन एक कमी है तुहाडे अंदर। कहिंदे बाबा जी हुक्म करो। उन्होंने अमृत नहीं छकिया सी, कहिंदे आप जी ने अमृत नहीं छकिया। आप जी जो मर्यादा सी बनाई है, गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे उस मर्यादा का पालन करते हुए अमृत छक लो, होर कृपा वध जाएगी। तुसीं सेवा करदे हो निम्रता विच, प्यार विच, लेकिन अमृत की कमी है। वह अमृत छक के आप जी उपर होर कृपा होगी छको। पहले उन्होंने आनाकानी की कि बाबा जी एवं सेवा करदा, आप जी की एवं खुशियां मिल रही ने, प्यार मिल रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते नहीं, अमृत छको, बेनती तुहाडे चरणों में। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म मनते हुए अमृत छकिया। हुण जो अमृत छक लैंदा ना, उहदे चेहरे ते रौनक आना शुरू हो जाती अगर वह कमाए। अगले दिन जदों भाई दयाल दास जी आनंदपुर साहब फिर सेवा करन लगे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर देखिया, तो उन्हां दा चेहरा एक दिन पहले जिवें खिड़िया होया सी, अगले दिन मुरझाया होया सी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई दयाल दास जी नूं पुछिया, कहिंदे अमृत छकण दे बाद ते चेहरा खिड़ जांदा वे, तुहाडा चेहरा मुरझाया होया वे? ते भाई दयाल दास जी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहिंदे, कहिंदे बाबा जी केड़ा अमृत, एक मिठा मैणा सी। कहिंदे बाबा जी केड़ा अमृत, मैं अमृत छकिया, मैं सोचा मेरी अवस्था वधेगी, मेरे पर होर कृपा, होर जप तप वधेगा, होर बंदगी वधेगी मेरी। कहिंदे बाबा जी मैं रात सुत्ता, ते रात जदों मैं सोया ते मैं सुपने विच की देखदा, बाबा जी मैं सप्प दी जूनी विच आ गया। कहिंदे बाबा जी लोग मेरे पिछे पिछे मैनूं मारन लई भज रहे ने, उन्हां ने मैनूं मारिया, मैं दूजा जन्म लै लिया बिच्छू दा, हुण लोग मैनूं मारन लई उहदे पिछे भज रहे ने। बाबा जी मैं कई जूनां देखियां सपने विच। कहिंदे बाबा जी अज तक मैं अमृत नहीं छकिया सी, मैं सुपने नहीं देखदा सी, अमृत छकण दे बाद इतने भैड़े भैड़े सुपने। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुरा के कहिंदे, कहिंदे ए रमज दी गल। कहिंदे बाबा जी मैं समझिया नहीं। कहिंदे तुहाडी सेवा तों प्रसन्न होए सां, तुहानू बचन किया सी कि आप जी अमृत छक लो, आप जी ने साडा बचन मनिया,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 150 ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮਾਤਾ ਕੌਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇੰਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਖੋਲੋ ਸਾਜ ਤੇ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਇਤਨਾ ਮਾਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਯੂਪੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 8ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਇਵੇਂ ਹੀ 8ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 19 ਔਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਸੰਗਤ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਿਟਲ ਵੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਸਦਕਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਝੇਵੇ ਇੱਧਰ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਮਲਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।